हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू हेलम ऑफ साइंस। तो आज का हमारा जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है वो काफ़ी मज़ेदार एक्सपेरिमेंट है। तो हम दिखाएंगे एक्सपेरिमेंट को और जानेंगे उसके पीछे का साइंस को। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को एंड तक देखिए। आजकल इंटरनेट पे फ्लिप द बॉटल चैलेंज बहुत ही फेमस है। तो आज हम भी करेंगे फ्लिप द बॉटल चैलेंज को और जानेंगे इसके पीछे की कहानियों को। तो आपको कभी ये नहीं लगता कि फ्लिप द बॉटल चैलेंज में बॉटल को क्यों थोड़ा सा पानी लेके किया जाता है, इतना सा पानी लेके करते हैं? हमने यहाँ पे पूरा भर के रखे हैं और हम थोड़ा पानी में कलरिंग ऐड करके रखे हैं कि पानी देख सकें हम अच्छे से। तो कभी आपको ये क्वेश्चन दिमाग पे नहीं आया कि पानी पूरा क्यों नहीं भरा जाता है, पानी आधा या आधा से भी कम क्यों भरा जाता है? पूरा भरने से चैलेंज एक्सेप्टेड होगा, चैलेंज कंप्लीट होगा या नहीं होगा, ये भी हम देखेंगे आज और जानेंगे इसके पीछे कारण को, क्यों आधा भरा जाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करते करते आपको भी लगता होगा कि आधा भरने से ये अच्छे से हो जाता है, बट क्यों, इसका कारण आज जानेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। तो ये है हमारा भरा हुआ बॉटल। तो हम पहले ट्राई करते हैं इसको चैलेंज एक्सेप्ट करने को, देखते हैं होता कि नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट, मजा आने वाला है। थोड़ा ज्यादा घूम गया, करीब करीब हो ही गया था बस। नहीं, किसी तरह से भी नहीं हो रहा है। ये भरा वाला बोतल थोड़ा ज्यादा ही घूम रहा है, तो ये स्टेबल नहीं हो रहा टेबल पे, तो ताकि हम चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा पानी कम करके देखते हैं। तो इसमें थोड़ा पानी कम कर लिए हैं हमने, अभी देखते हैं कि होता कि नहीं है। चलिए, हम पहले जितना ताकत से बोतल को घुमा रहे थे लगभग उसी जैसा ताकत यूज कर रहे हैं इसको घुमाने में, लेकिन लेकिन चैलेंज कंप्लीट एक्सेप्टेड नहीं हो रहा, हार जा रहा हूँ बार बार। तो बोतल भी थोड़ा डैमेज हो गया है, लेकिन फिर भी चैलेंज कंप्लीट नहीं हुआ। तो पानी थोड़ा और कम करते हैं, थोड़ा देखते हैं तब क्या होता है। अब हमने पानी और भी कम कर दिया, एकदम इतना सा पानी। चलिए आप देखते हैं क्या होता है। लगभग हो ही गया था, अरे थोड़ा और बस हो ही गया था। आखिरकार हो ही गया चैलेंज कंप्लीट। तो देखिए इसमें हो गया, दो तीन बार करने से ही हो गया। तो हो क्या रहा था कि पहले पानी ज़्यादा था, नहीं हो रहा था, अभी पानी कम है, हो गया। तो इसका सीधी सा लॉजिक है। तो भरा हुआ बोतल से नहीं हुआ, बट हमारे ये खाली बोतल से हो गया, इसका कारण क्या है? एक्चुअली जब बोतल को ऐसे घुमा के ऐसे लैंड करके फिर स्टेबल होना होता है, तो इसका स्पीड थोड़ा कम हो जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे सरफेस पे स्टेबल नहीं होगा और चैलेंज भी एक्सेप्टेड नहीं होगा, चैलेंज भी पूरा नहीं होगा। तो भरा बोतल में हम जब ऐसे बोतल को फेंक रहे थे, मान लीजिए बोतल भरा है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका एक्सिस मिडिल से पास होता है और जो एंगुलर मोमेंटम वो पैदा कर लेता है, थोड़ा एंगुलर वेलोसिटी पैदा कर लेता है। और आपको पता है एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम हमेशा कॉन्जर्व रहता है किसी घूमती हुई चीज़ में। तो पूरा भरा बोतल में ऐसे हम जब थोड़ा फोर्स लगा के घुमा देते हैं बोतल को, वो एंगुलर वेलोसिटी उसका कम ज़्यादा कुछ नहीं होता है, पूरा कॉन्जर्व ही रहता है। तो बोतल घूम जाता है और गिर जाता है, बोतल घूमता रहता है और गिर जाता है, स्टेबल होने का मौका नहीं मिलता उनको। लेकिन अब हम यहाँ पे एकदम इतना सा पानी दे दिया है, थोड़ा सा पानी डाले हैं,
तो इसमें क्या होता है, जब हम ऐसे इसको घुमा देते हैं एट द टाइम, जब एट द टाइम ऑफ रिलीज ऑफ द बोटल फ्रॉम द हैंड, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका एक्सिस इस यहाँ से ही पास होगा, क्योंकि इस बोतल का जो पूरा मास है वो एकदम नीचे कॉन्सर्व्ड है, नीचे कॉन्सेंट्रेटेड है। बोतल का मास वैसे, पूरा बोतल का मास वैसे नेग्लिजिबल है, और जितना पानी यहाँ पे है यही एक्चुअल बोतल का मास रिप्रेजेंट कर देता है। तो एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो सेंट्रल एक्सिस है तो यहाँ से पास हो जाता है। तो उसके बाद थोड़ा एंगुलर वेलोसिटी भी गेन कर लेता है और एंगुलर मोमेंटम पैदा हो जाता है इस बोतल के अंदर। अभी जब हम बोतल को घुमा रहे हैं तो होता क्या, देखिए बोतल को घुमाने से होता हो क्या रहा है, बोतल के अंदर जो पानी है वो पूरा फैल रहा है, ऐसे फैल जाता है बोतल के अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से पूरा फैल जाता है। तो फैल जाने से ही, अचानक से फैल जाने से ही होता क्या, एट द टाइम ऑफ द रिलीज इसका जो एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एक्सिस था वो यहाँ से पास होता था नीचे से, अब जो ऐसे फैल जा रहा है तो पूरा मास का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो उसका एक्सिस यहाँ से मिडिल से पास होगा, एकदम बिल्कुल इस मिडिल से पास होगा। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हमारा तो एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रहना ही है। तो जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है तो हमारा एंगुलर स्पीड जो है, एंगुलर वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हम बॉटल को ऐसे घुमा के छोड़ दे रहे हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे बॉटल जो है वो थोड़ा टाइम मिल रहा है और इसका स्पीड, एंगुलर स्पीड इतना कम हो रहा है कि उसको टाइम मिल रहा है, उसको चांस मिल रहा है सरफेस में स्टेबल होने का। ये सरफेस बहुत ही स्मूथ है और ये भी स्मूथ है, तो फ्रिक्शन पैदा नहीं हो रहा तो ऐसे गिर जा रहा है, लेकिन ये बात है लगभग स्टेबल हो ही गया। ठीक है, आप घर पे करते रहिए ये प्रैक्टिस तो चैलेंज एक्सेप्ट हो जाएगा आराम से। तो असल कारण जो मैंने बताया, कारण तो यही है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से जब ये हो रहा है बॉटल तो बढ़ जा रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है और इसीलिए एंगुलर स्पीड डिक्रीज हो जा रहा है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है इसीलिए एंगुलर स्पीड डिक्रीज होता है। और एंगुलर स्पीड डिक्रीज हो जाने से बॉटल को एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है और एक्स्ट्रा चांस मिल जाता है कि सरफेस में ऐसे स्टेबल हो जाने का। तो इसीलिए कम पानी लेके फ्लिप द बॉटल चैलेंज को हमेशा किया जाता है, भरा बॉटल लेके नहीं किया जाता। तो ये है सिंपल हमारा फ्लिप द बॉटल चैलेंज का फिजिक्स। आपको कैसे पहले से पता होता तो नीचे कमेंट कीजिए कि पता था, और नहीं पता था तो कोई बात नहीं, आप अभी पता कर लीजिए। तो सीखते रहिए, जानते रहिए, और कोई एक्सपेरिमेंट का फिजिक्स आपको अच्छा लगे और जानना चाहते हैं तो हमको बताइए, हम बताएंगे उसके पीछे फिजिक्स को। और देखते रहिए हमारा चैनल हेल्म अप साइंस, और ये चैलेंज कंप्लीट एक्सेप्ट कर लीजिए आप लोगों भी, और घर में भी प्रैक्टिस कर लीजिए भरा बोतल से और आधा भरा बोतल से और थोड़ा कम भरा बोतल से, और हमको बताइए कि चैलेंज एक्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ, एंड ये भी बताइए कि कैसा लगा हमारा वीडियो। थैंक यू सो मच। हम अगर लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम तो ये तो कंजर्व रहता है, तो एंगुलर मोमेंटम एल इज इक्वल टू आई ओमेगा, तो ये है हमारा एंगुलर मोमेंटम और है आई और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। और आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अगर हम एंगुलर मोमेंटम को कंजर्व रखना चाहते हैं तो हमारा ये दोनों क्वांटिटी को अगर किसी एक को हम चेंज करते हैं
तो दूसरा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे एट द इनिशियल स्टेज इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज आई वन एंड द एंगुलर वेलोसिटी वाज ओमेगा वन, अगर सेकेंड फेज में अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज कर जाता है तो एंगुलर वेलोसिटी ऑटोमेटिकली डिक्रीज करके ये जो टोटल क्वांटिटी है ये क्वांटिटी को सेम ही रख देगा। अगर उल्टा भी हो सकता है, एंगुलर अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज करता है तो एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज भी करके ये जो टोटल क्वांटिटी है आई वन ओमेगा वन ये अमाउंट को इंटैक्ट रखेगा। यही है हमारा कंजर्वनेस का कंडीशन, इसी के लिए हमारा एंगुलर वेलोसिटी कंजर्व रहता है। तो इसी कारण बॉटल का एक्सपेरिमेंट आपको पूरा समझ में आ चुका होगा। तो देखते रहिए हेलम ऑफ साइंस।